नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्याज की रुपाई करने के एक ऐसी विधि के बारे में जिसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का प्याज भी उत्पादन पा सकते हैं। इसमें आपकी लागत जो है वो रुपाई करते समय थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ती नहीं है, वो जो है शुरुआत में ज़्यादा लग जाती है, बाद में जो अन्य आपकी लागत लगने वाली होती है वो कम हो जाती है। जैसे खरपतवार मैनेजमेंट के लिए जो आपकी दवाइयों के ऊपर खर्च आता है, निराई के लिए, गुड़ाई के लिए, या गांव में बोलते हैं खुरपी करने के लिए, तो उसमें जो आपका खर्च आता है वो खर्च आपका बाद में बच जाता है। इस विधि में आपको उत्पादन भी मिलता है, लागत आपकी समझ लीजिए कि एक प्रकार से कम हो जाती है। किसान भाइयों, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आप देखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई चीज़ ना समझ में आए आपको, कोई तथ्य ऐसा हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आके आप हमसे बात कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं विधि के बारे में जो है पूरी बात करते हैं। तो इसमें आपको तीन चार टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे पहली टॉपिक है कि भूमि की का चुनाव, दूसरा है खेत की तैयारी, तीसरा है हमको फर्टिलाइज़र कौन कौन से यूज़ करने हैं, और चौथा आखिरी रुपाई की सही विधि क्या है या उसको हम किस प्रकार से रुपाई करें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि के चुनाव के बारे में। प्याज की खेती करने के लिए सबसे सही मिट्टी जो मानी जाती है वो बलुई या बलुई दोमट मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि ये हल्की मिट्टी होती है और हल्की मिट्टी में प्याज का उत्पादन और इसकी साइज जो होती है वो दोनों ही अच्छा होता है, अच्छा मिल जाता है हमको। लेकिन आप इसकी खेती सभी प्रकार की भूमि कर सकते हैं। जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, इस विधि के प्रयोग से आप किसी भी प्रकार की भूमि में इसकी खेती कर सकते हैं। बस वहाँ जो है जल निकासी का सुविधा होना चाहिए, पानी एकत्रित ना होता हो आपके खेत में कहीं पर भी, और सिंचाई का अच्छा साधन आपके पास होना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो प्याज की खेती के लिए आपको गहरी जुताई करनी बहुत ज़रूरी होती है। पहले आपको इसके लिए जो है हैरो से जुताई करनी पड़ती है, उसके बाद फिर आप कल्टीवेटर से जुताई कर दें इसका, फिर आखिरी जुताई जो है वो रोटावेटर से आपको करवा देनी होती है। किसान भाइयों, आप इस समय ध्यान रखिएगा कि यदि आपने पिछले फसल में जो है गोबर की खाद का प्रयोग किया था तो इसमें आपको गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करना है। और अगर गोबर की खाद इसमें आप प्रयोग करते हैं तो आपको कम से कम 1 से 2 महीने पहले इस खेत में गोबर की खाद डलवा देनी चाहिए, क्योंकि तुरंत ही गोबर का खाद जो है थोड़ा नुकसान पहुँचा सकता है आपकी फसल में, तो जो है आपको तत्काल गोबर की खाद इसमें नहीं डालनी। आखिरी जुताई से पहले आपको फर्टिलाइज़र डाल देनी है, उसमें आपको ह्यूमिक एसिड डालना है लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यूरिया डालनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, सिंगल सुपर फास्फेट आपको 130 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है, और म्यूरेट ऑफ पोटास 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में आपको डाल देनी है। उसके बाद आखिरी जुताई जो आपको रोटावेटर से करवानी है उसको करवा देना है। अब बात करते हैं रुपाई की विधि के बारे में, या वह कौन सी विधि है जिस तरीके से हमको रुपाई करनी है इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेते हैं। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी करने के बाद आपको बेड बनाना होता है। बेड आपको जब आप बना रहे हों तो उसमें ध्यान रखें कि बेड की चौड़ाई जो हो वो लगभग 1 मीटर के हिसाब से होनी चाहिए, और उसकी गहराई डिपेंड करती है कि अगर मान लीजिए आपने ड्रिप इरिगेशन करवा रखा है, आपके खेत में ड्रिप की व्यवस्था है, तो आपको उसकी ऊंचाई लगभग 1 से 1.5 फीट तक रखनी है। बेड की ऊंचाई आपको 1.5 फीट तक रखनी है। लेकिन यदि आपके पास ड्रिप की व्यवस्था नहीं है, आपके खेत में ड्रिप इरिगेशन नहीं हुआ है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बेड की ऊंचाई उस समय कम रखनी होती है। लगभग आपको 0.5 फीट यानी 6 से 7 इंच आपको जो है इसकी ऊंचाई रखनी होती है। किसान भाइयों, अब हमारा बेड जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। इसके बाद हमें बेड के ऊपर मल्चिंग पेपर लगाना होता है। मल्चिंग पेपर लगाते समय आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप पहली बार मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं तो काला कलर का जो साइड होता है उसको आप ज़मीन की तरफ रखते हैं, नीचे रखते हैं, और जो सफ़ेद होता है सिल्वर रंग का उसको आप ऊपर की साइड में रखते हैं। आप मल्चिंग पेपर उल्टा अगर लगा देंगे, काला रंग ऊपर लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। काला रंग आपको नीचे लगाना है और सिल्वर या सफ़ेद रंग जो होता है उसको आपको ऊपर करना होता है। मल्चिंग पेपर लगाने के बाद जो है जब आप प्याज की रोपाई कर रहे हों तो उस समय
पेपर के अंदर जो है पेपर के ऊपर छेद कर लिया जाता है, मल्चिंग पेपर जो होता है उसमें छेद कर लिया जाता है। आपको प्याज की रोपाई जो करनी है वो पौधे से पौधे की दूरी जो रखनी है वो 2.5 इंच रखनी है, और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 2.5 इंच रखनी है। दोनों आपको 2.5-2.5 इंच रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी और पौधों से पौधों की दूरी जो है वो 2.5 इंच तक आपको रखनी होती है। छेद जब आप मल्चिंग पेपर में करें तो किसी नोकीली चीज़ से करें जो है, ताकि छेद आपका क्लियर हो और वो पन्नी जो है बाद में फटने का चांस कम से कम हो पाए। किसान भाइयों, आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपके पास ड्रिप नहीं है तो हमें जो सिंचाई करनी होती है वो मल्चिंग पेपर के ऊपर तक पानी लगाकर करनी होती है, ऊपर तक पानी चढ़ाना पड़ता है, तभी सिंचाई अच्छे से हो पाती है, क्योंकि गर्मी की फसल होती है ये, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप जब आप बेड तैयार कर रहे हों अपने खेत में, तो उस समय आप ध्यान रखिए कि आपको सिंचाई कैसे करनी है, या खेत का ढलान किस साइड है, किस तरफ है, उस हिसाब से आप बेड तैयार करिएगा, ताकि सिंचाई करते समय हमको कोई दिक्कत ना हो। किसान भाइयों, पिछली बार हमने लगभग 1 एकड़ खेत में प्याज की रोपाई करवाई थी, हमारे यहाँ ड्रिप लगा हुआ है, लेकिन सेम टू सेम इसी विधि से, जो विधि हम आपको बता रहे हैं, इसी विधि से हमारे यहाँ खेती की गई थी। आप फोटो में देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी है प्याज की, और उत्पादन भी बहुत बेहतरीन मिला है इसका। यही रेशियो टोटली हमने लगा रखा था, इसमें लागत भी आपकी कम हो जाती है, आप विश्वास मानिए। स्टार्टिंग में आपकी लागत थोड़ा बढ़ती है, क्योंकि उस समय हमको मल्चिंग पेपर ऊपर लगवाना होता है, तो उसकी थोड़ी लागत बढ़ जाती है। बाद में निराई गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण और जो है ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लागत बाद में डाउन आ जाती है, कम हो जाती है लागत। तो आप इस विधि से खेती करिए प्याज की, इस विधि से रोपाई करिए, आप विश्वास मानिए बहुत ही अच्छा उत्पादन आपका मिलेगा। आप एक बार करेंगे तो हो सकता है दोबारा आप ड्रिप भी लगवा लें अपने खेत में। देखिए, टेक्निकल खेती करने से फ़ायदा तो बहुत होता है जो है, इसमें सरकार सब्सिडी भी आपको बहुत ज़्यादा देती है, तो आपको बिल्कुल कोशिश करना चाहिए कि एक बार आप जो है टेक्निकल खेती की तरफ धीरे धीरे आप बढ़ें, क्योंकि अगर आपको खेती से अच्छा मुनाफा लेना है, अच्छा लाभ लेना है, तो आपको टेक्निकल फार्मिंग की तरफ जो है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल आपके लिए, आपका सपोर्ट करेंगे। आपको जो है, आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है कोशिश करिए, मन लगा के खेती करिए। अगर आप खेती कर रहे हैं तभी आपका फ़ायदा हो सकता है, अन्यथा आप चाहें कि नॉर्मली आप परंपरागत खेती करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो ये थोड़ा जो है मुश्किल वाली बात है, परंपरागत खेती से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियाँ देंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।